आज डिकोडिंग सिनेमा में हम 2018 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी बर्ड बॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुसैन बैस ने। मूवी सर्वनाश के बाद की दुनिया की है। मैलोरी हैस नाम की एक महिला अपने बच्चों को कहती है कि वे एक नाव से नदी के रास्ते नीचे जाएंगे। हैस बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध देती है। वह सख्ती से उन्हें निर्देश देती है कि वे अपनी आंखों पर पट्टी न हटाएं, वरना वे मारे जाएंगे। यहां से आगे मूवी दो टाइमलाइन में चलेगी। एक टाइमलाइन मैलोरी के 5 साल पहले की होती है और दूसरी उस समय की। 5 साल पहले एक गर्भवती मैलोरी अपनी बहन जेसिका से मिलने जाती है। टेलीविजन में हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें रोमानिया में एक अनएक्सप्लेन्ड मास सुसाइड के बारे में बताया जा रहा है और यह फिनोमिना पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल रहा है। जेसिका मैलोरी को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती है। जब वे अस्पताल से वापस घर जाने लगते हैं तब उन्हें एक महिला अपने सर को ग्लास पैनल में मारते हुए दिखाई देती है। इसके साथ वहाँ बहुत ही क्योस मच जाता है। वे जब घर जा रहे होते हैं तब जेसिका किसी चीज को देखती है और अपना संतुलन खो देती है। चूंकि वह ड्राइव कर रही होती है, कार का पलटने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। मैलोरी घायल हो जाती है और देखती है कि जेसिका सामने से आ रही ट्रक के सामने चली जाती है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर मर जाती है। मैलोरी ये सब देखकर वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक महिला मैलोरी को अपने घर पर सेफ्टी के कारण इनवाइट करती है। वही महिला कुछ ही टाइम में ट्रांस के स्टेज में पहुंच जाती है, अपनी डेड मदर से बातें करने लगती है और थोड़ी ही देर में जलती हुई कार पर छलांग लगा देती है। मैलोरी बच जाती है और उसे टॉम नाम का एक आदमी घर में लाता है। इसी बीच चार्ली नाम का एक आदमी सबको बताता है कि कुछ डेमोनिक क्रिएचर ने अर्थ को इन्वेट कर लिया है। उन क्रिएचर्स को जो भी देखता है वह अपना आपा खो देता है, अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचने लगता है और पागल हो जाता है। टॉम यह सुनकर सभी खिड़कियों को बंद कर देता है। ग्रेग नाम का एक आदमी अपने आप को एक कुर्सी से बांध लेता है और सीसीटीवी कैमरा से देखने लगता है। जब वे क्रिएचर्स आते हैं तब ग्रेग हिंसक हो जाता है और एक चूल्हे में अपना सर दे मारता है। कुछ ही टाइम में फूड सप्लाई कम हो जाती है। ग्रुप के अधिकांश मेंबर सुपरमार्केट जाते हैं। मैलोरी वहां पर कुछ पालतू पक्षियों को ढूंढती है और उन्हें अपने साथ ले आती है। वहीं ग्रुप के मेंबर्स चार्ली के कोवर्कर को देखते हैं। वे कोवर्कर को हेल्प करने लगते हैं जो सुपरमार्केट के बाहर होता है और हेल्प के लिए बोल रहा होता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं बहुत सारे लोग ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। इन लोगों का इस्तेमाल क्रिएचर्स दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए कर रहा होता है। चार्ली सभी को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ग्रे नाम के एक स्ट्रेंजर को ओलंपिया घर में ले आती है, जिसके कारण डगलग काफी नाराज होता है। बाद में हम देखते हैं कि ओलंपिया एक लड़की को जन्म देती है और मैलोरी एक लड़के को। कुछ दिन बाद ग्रे ट्रांस में चला जाता है। वह पंछियों को फ्रीजर में डाल देता है, विंडो में लगा पेपर को टियर कर देता है। वह गैराज खोल देता है ताकि लोग बाहर देख सकें। ओलंपिया इसी बीच इन्फेक्ट हो जाती है और विंडो से बाहर कूदकर जान दे देती है। मैलोरी ओलंपिया के बेबी को हाइड कर देती है, जिसके कारण वह बच जाती है। गैरी चर्चिल को देखने के लिए मजबूर करता है और चर्चिल बाद में अपने नेक में सीजर घोंप लेता है। डगलस आंख बंद करके एक शॉटगन से गैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह विफल रहता है। गैरी सीजर से डगलस को मार देता है। मैलोरी बेबीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि टॉम को होश आ जाता है। वह गैरी को मार देता है। अब कहानी 5 साल बाद के टाइमलाइन में चली जाती है। हम देखते हैं कि 5 साल बाद टॉम और मैलोरी बच्चों के साथ एक साथ रह रहे हैं जो ओलंपिया और मैलोरी के होते हैं। टॉम मैलोरी को बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने को मना करता है। उनका नाम भी बॉय और गर्ल ही रखा जाता है। मैलोरी चिंतित है क्योंकि वह घर के बाहर कुछ लोगों को शोर करते हुए देखती है जिन्होंने अपने आंखों पर पट्टी भी नहीं बांधी होती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे सब अब इन्फेक्टेड हैं। वे दोनों रात में एक रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा एक रिक नाम के आदमी की आवाज़ सुनते हैं। रिक बता रहा होता है कि जंगल में एक बहुत ही अच्छी और सेफ प्लेस है जहाँ बहुत सारे लोग सेफली रह रहे हैं। वो इन्हें ये भी बताता है कि बच्चों के साथ वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बिना देखे वे पानी के सफ़र पार नहीं कर सकते। वह बताता है कि सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए उनको सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ पर ध्यान देना होगा और जिस तरफ ये आवाज़ ले जाए उधर ही जाना होगा। टॉम कंपाउंड में जाना चाहता है लेकिन मैलोरी को लगता है कि ये एक चाल हो सकता है। बाहर पहले से बचे हुए सर्वाइवर्स आ जाते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चला जाता है जबकि मैलोरी और बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने को कहता है।
टॉम उनमें से तीन को गोली मार देता है, लेकिन उनमें से एक मैलोरी और बच्चों की तरफ जाता है। टॉम के पास अब कोई चारा नहीं रहता और वो अपनी आंखों से पट्टी निकाल लेता है और उस चौथे आदमी को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम भी इन्फेक्टेड हो जाता है और पूरी तरह इन्फेक्टेड होने से पहले ही वह अपने आप को गोली मार देता है। मैलोरी को आखिरी गन शॉट से पता चलता है कि टॉम अब नहीं रहा। आगे सीन मैलोरी बच्चों से कहती है कि वे एक ट्रिप पे जा रहे हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रिप है। अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वे तीनों एक बर्ड के साथ एक नाव पे नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। अब नदी पर लगभग 42 घंटे बिताने के बाद वे सेफ हाउस के करीब आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि नाव पलट जाती है और सभी गिर जाते हैं। सभी सेफली किनारे तक पहुँचते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से अलग हो गए होते हैं और वो आवाज़ दोनों बच्चों को मैलोरी के आवाज़ में आँख से पट्टी निकालने को कन्विंस करता है। तभी मैलोरी उन दोनों को अपनी विल पावर पर भरोसा रखने को कहती है और वे बच जाते हैं। वे तीनों किसी तरह सेफ हाउस तक पहुँचते हैं। वहाँ पे लोग उनकी आँख को चेक करते हैं और पूरी तसल्ली के बाद उन्हें अंदर ले लेते हैं। और हमें यह पता चलता है कि ये अंधे लोगों की स्कूल है। चूँकि यहाँ सारे लोग अंधे होते हैं तो इनको कोई खतरा नहीं होता है। वे तीनों उस पंछी को उस बॉक्स से निकालकर आज़ाद कर देते हैं और वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर लेफहम से होती है जो खुद एक सर्वाइवर हैं। लेफहम उन दोनों बच्चों से उनका नाम पूछते हैं तो वे अपना नाम बॉय और गर्ल बताते हैं। तभी मैलोरी लड़की का नाम ओलंपिया बताती है जो उसकी माँ का नाम होता है और लड़के का नाम टॉम। वह अपने आप को उन दोनों की माँ बताती है और कहानी इसी इमोशनल सीन से ख़त्म हो जाती है।